एक्शन बजा 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 कंटिन्यू 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 बजा 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 जोर से बजा जोर से बजा बजा मरीना पेन साधना जी कट 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 फोकस वन मोर सॉरी ओके One more, roll, rolling, same mood, and action. Marina, pen, Sadhana ji pen, continue, 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 yes, continue, 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 yes, continue, 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 continue. गिर गई मेरे देखो दादी माँ दादी माँ दादी माँ क्यों खोली है दादी माँ कट होगी परफेक्ट आप नहीं थोड़ा सा क्लोज आ जाइए आप फोटो ले रहे हैं वीडियो ले रहे हैं वीडियो वीडियो फोटो ले रहे हैं ये वीडियो टाइम सुन लिया राइट इसलिए दुनिया वाली लड़कियों सब सुन लो हाँ मयूर सिंगल है प्लीज प्लीज आ जाओ ठीक है ना अब ये कंफर्म कर लो थप्पा लग चुका है चलो थप्पा लग चुका है चलो और ये बंगलू किसका है ये किसका शक्ति कपूर जी का ये शक्ति कपूर जी के बंगलो में शूटिंग चल रही है आज oh आप देख God. सकते हैं क्या बंगलो है इतना इतना ओके थैंक्स मैन थैंक यू दो मिनट आ जाओ तो तुम बात करो ना सब रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा हो गया फोन पूरी की एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखो ना चल छोड़ते नहीं पीछा ये लोग बहुत अच्छा है और गुड आई एम वेरी हैप्पी नहीं नहीं सबसे अच्छी बात पता है क्या है मैं आपको बोलूं कि जब पायलट सबसे बेस्ट होता है हां वैसे लगता नहीं लैंडिंग की अच्छी होती है कंफर्ट लेवल कैसे आ जाती फिर ओ हम सबको पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके सारी दुनिया कंफ्यूज कर रखी है सर अभी तक आज ही बोलते हैं आप रिलेशन में मैं क्या प्रूफ दो सब लोग यही बोलते हैं नहीं है तो फिर काय को बोलते हो किसी को फालतू आप ऐसे ही बोल रहे हो प्रूफ कैसे देखो कैमरा लेके थोड़ी बेडरूम तक पहुंच जाएगा ऐसे कैसे हो सकता है प्रूफ नहीं दोस्त सारी जगह लीगली आ चुके आप चाहते आदमी की आपके पीछे पीछे बेडरूम तक हर जगह तक प्रूफ दे सकते हो चाहते हैं कि मेरी ना कुछ चल तो नहीं रहा है कहीं पे जी ये फिल्म इसका नाम है जिंदगी तुमसे जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है और हम एक समाज का जो बहुत बड़ा जो तबका है जो दिखता नहीं है बट वो बहुत बड़ी इलनेस है सोसाइटी में उसको दूर करने की कोशिश है वो ये कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख रहे हैं कि जो चीज़ हमने बाहर से अडॉप्ट की है कि अपने मम्मी डैडी को वृद्धाश्रम भेजने की सोचते हैं उस अबाउट है ये फिल्म जिंदगी तुमसे कि जिंदगी उनसे ही है जो मम्मी डैडी आज बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं चल नहीं सकते तो अब उनका हम ख्याल रखने के बजाय ये सोचते हैं कि अब उनको हम खर्चा देके विद्याश्रम में डालेंगे अगर यही चीज़ मम्मी डैडी ने तब सोचा होगा जब हम खा नहीं सकते थे चल नहीं सकते थे तब हमको अगर वो छोड़ देते तो हम नहीं होते तो दैट्स व्हाई जिंदगी तुमसे और यस ये जो सीन चल रहा है ये चल रहा है मरीना जी एंड मयूर जो हमारे इसकी लीड कास्ट है और साधना सिंह जी उनका चल रहा तो उनकी जो बाउंडिंग है क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते बेटे का पोता जो होता है लेकिन वो समझ जाता है और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो फ़ौरन से वापस आता है और वो चाहता है कि वो दादी के वो सारे हक दे दे जो उससे छीने गए तो ये सीन आज चल रहा है तो स्टारकास्ट को लेके किस तरह की थॉट प्रोसेस थी आपकी क्योंकि जब भी कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं तो स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फिल्म के लिए और कहीं ना कहीं परफेक्ट भी होनी चाहिए स्टारकास्ट ने तो फिर स्टोरी लाइन भी सूट नहीं करती है करेक्ट 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 एक्चुअली इसमें हुआ है कि जब मैं मरीना जी के पास गया
ये सब्जेक्ट वैसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्लैमर नहीं है, इसमें बाकी चीज़ नहीं है, बट मुझे थैंक्स बोलना मरीन जी की, उन्होंने ये इंटेंस सब्जेक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया और वो बहुत एक्साइटेड हुई मैं करूँगी ये रोल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत जुड़ी है इस चीज़ से और उसको उस चीज़ को उन्होंने दिल से फील किया। और स्टारकास्ट ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो स्टारकास्ट हो जो पिक्चर में अच्छी तो लगे स्क्रीन पर बट इंटरनली वो इस चीज़ को फील करे कि सिर्फ यहाँ एक्टिंग नहीं है बल्कि हमको इसको जीना है। तो हमारी स्टार कास्ट है इसमें साधना सिंह जी, मरीना कौर, मिस्टर मयूर है, गुड्डी मारुति है, राजेश पुरी जी है, तो अच्छी खासी मार्केट स्टार कास्ट है और हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। जी मरीना जी, आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए और किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की अगर? वेल ये जो मैं प्ले कर रही हूँ इसमें कैरेक्टर, इट्स वेरी एक बहुत इनोसेंट लड़की है, बहुत शांत है और जो रियल लाइफ में जो मैं एग्जैक्टली हूँ वही मुझे ये दिखा रहे हैं। और बहुत इमोशनल लड़की है जो अपने एक बॉयफ्रेंड, मेरा जैसे मयूर मेरा इसमें बॉयफ्रेंड होता है और उनकी दादी हैं और दादी का मैं मतलब उनका मैं देखभाल करती हूँ, सो मेरे लिए बहुत दिल के करीब कैरेक्टर है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप इमोशनली अटैचमेंट हो जाते उस चीज़ से। और मेरे लिए जब इन्होंने मुझे, तारिक जी ने जब मुझे ये स्टोरी बताई तो मैंने उसी टाइम बोला कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं पता कि आप किसी और को प्लीज़ मतलब, बट आप मुझे इस कैरेक्टर के लिए, इस रोल के लिए मुझे आप प्लीज़ कैसे भी करके मुझे ये फिल्म करनी करनी है क्योंकि बहुत ही इमोशनल और इतनी अच्छी स्टोरी है इस फिल्म की। आप देखेंगे इतना इतना सारा पेन है जो नॉर्मल लाइफ में हम हर रोज़ की लाइफ में जीते हैं। और दूसरी बात ये मेरी इनके साथ मतलब हम लोग सेकंड टाइम काम कर रहे हैं और एज अ प्रोसेस में एग्जैक्टली और एज अ डायरेक्टर ये मुझे इतना इतना मतलब मेरे इतने दिल के करीब हैं। और कहीं ना कहीं अब कहते हैं ना प्रोफेशनली तो चीज़ें नहीं है, अब एक फ्रेंडशिप वाली चीज़ें ज़्यादा आ चुकी है, फैमिली हो चुकी है। और इनका जो डायरेक्शन करने का जो स्टाइल है एकदम जैसे आप यंग लोग जो सी, मैं ये नहीं कहती हूँ जो ओल्ड लोग जो हैं जो एक्सपीरियंस जिनको है वो अच्छा काम नहीं करते, वो भी अच्छा करते हैं, बट आप एक एज के साथ काम करते हो तो आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, चीज़ें बैलेंस हो जाती है, एक दूसरे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज़ कल को मुझे कुछ अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से करूँ तो ये मुझे बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि आपको जैसे काम करना है आप बिल्कुल वैसे काम कर सकती हो। तो मेरे लिए फिल्म बहुत ही मायने रखती है क्योंकि और इनफैक्ट इसमें साधना जी हैं, तो साधना जी तो हम लोग उनको कहते हैं ना बचपन से देखते आ रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग जो भी आज सीखे हैं या हमें जो भी चीज़ें पता चलती है उनकी चीज़ें देख के, ये लोगों को देख के हम लोग सीख चुके हैं अभी तक जितना भी सीख पा रहे हैं। तो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि इतने बड़े एक्टर के साथ काम करना और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना नसीब की बात होती है कि लक बाय चांस जो है मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ। और आज देखिए मैं इनके साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मुझे इसके लिए चुना। एक्चुअली मैं आपका बोलूँ जो मैंने फर्स्ट फिल्म जो की थी वो फर्स्ट फिल्म से मुझे मेरी लाइफ में बहुत चेंज, इनफैक्ट मेरी एक्टिंग में बहुत चेंज आ चुका है और अभी मैं चीज़ों को समझती हूँ, अभी मुझे पता होता है कि कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन देना है, कहाँ पे कितनी चीज़ें कितना डायलॉग बोलना है, कहाँ पे आपको रुकना है, जो पहले आपको पता नहीं होती है चीज़ें, आप क्योंकि आप चीज़ें करते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलता है। बट मुझे पहले फिल्म से जो मेरे जो पहले जो डायरेक्टर थे उनका नाम दीपक पांडे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सॉरी तो उनसे सीखने के बाद जो मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ मेरे लिए बहुत ही इजी हो चुका है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीख चुकी हूँ। और पहले वाली फिल्म में कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर कर रही हूँ वैसा कैरेक्टर नहीं था, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, बट ये सेकंड जो फिल्म कर रही हूँ जो मैं हॉरर कर रही हूँ इनके साथ ही वो बहुत ही डिफरेंट है और जो ये तीसरी है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसमें भी इमोशंस हैं जो सेकंड वाली फिल्म में है, राइट? बट इसमें भी इमोशंस तो उतने ही हैं बट फर्स्ट वाली में चीज़ें नहीं थी। तो आज इमोशंस वाले सीन जो होते हैं रोना धोना वो मेरे लिए अभी बहुत ही ईजी हो चुका है करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और अभी मैं सीख रही हूँ, मतलब इन लोगों से अभी मुझे पता चलता है, कभी भी मेरे पास टाइम होता है
होता है तो मैं इनको पूछती हूँ अच्छा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करते नहीं, मरीना इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इस तरीके से बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम। तो आई फील वेरी लाइक प्राउड, अपने आप को ही मैं प्राउड फील कर रही हूँ, बिकॉज किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप एक कहते हैं ना 2018 में मैं 3 फिल्म की शूटिंग कर चुकी हूँ और कर रही हूँ कंटिन्यू, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस टाइम। मयूर किया आपने, और टेलीविजन और बॉलीवुड में कितना डिफरेंस महसूस कर रहा है, क्योंकि धमाकेदार एंट्री होने वाली है बॉलीवुड में आपकी, तो उसके बारे में। टेलीविजन और मूवीज़ के अंदर बहुत ही अंतर है, क्योंकि जो टेलीविजन के अंदर शूटिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंस होती है, क्योंकि अगर मूवी के अंदर देखा जाए बहुत प्रैक्टिकली एक्टिंग जो होती है बिल्कुल अलग होती है। जो सीरियल की एक्टिंग होती है मैं ये नहीं बोलता कि वो नकली एक्टिंग होती है, बट उसके अंदर ड्रामा बहुत दिखाया जाता, ये करते हैं ये करते हैं, बट ये मूवी के अंदर बिल्कुल आपको कट टू कट डायलॉग बोलना है, एक्सप्रेशन दिखाने हैं आपको। सीरियल में एक ड्रामा टाइप एक्टिंग होती है जो थिएटर के अंदर जैसे कि होती है ना, जो ड्रामा करते हैं वैसी एक्टिंग होती है। और रही बात मूवीज़ की, मैं मूवीज़, ये मेरी तीसरी मूवी है बैक टू बैक, मैं मरीना के साथ ये तीसरी मूवी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इनोसेंट मूवी कर चुका हूँ दीपक पांडे जी के साथ, उसके अंदर भी मेरा काफ़ी अच्छा किरदार है जो मैंने आज तक कभी किया नहीं था। फिर मैं उसके हॉरर मूवी की इविल डेड, जो तारिक जी हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमें सिखाया, बहुत कुछ सेट पे सीखा, क्योंकि हम सीरियल से आए हैं मूवी के अंदर तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है। अब तीसरी मूवी कर रहा हूँ जो जिंदगी तुमसे, वो भी तारिक जी ने मुझे चांस दिया और उसके अंदर तो किरदार ही मेरा बिल्कुल अलग है, जो आज तक मैं करते आ रहा हूँ वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अब ये सीरियस करेक्टर करने जा रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है ये करेक्टर करने में। किरदार के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस। अच्छा, किरदार, रही बात किरदार की, जैसे कि मैं बचपन में ही फॉरेन में चले जाता हूँ, ठीक है, जब मैं यूएसए से वापस आता हूँ तो मैं घर के अंदर आके ये माहौल देखता हूँ कि अब ये क्या हो रहा है, कि पापा ने दादी को घर से बाहर निकाल दिया था, बहुत चीज़ें थी। तो मैं सोसाइटी को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए, शादी होने के बाद वो घर से बाहर निकाल देते हैं, कहीं आश्रम में रख देते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कि नॉनसेंस बात है, कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों करते हैं, कि अगर वो आपको पाल सकते हैं तो आप उनको नहीं पाल सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना, आपको उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, आश्रम में रख के हम क्या करेंगे बताओ। बीवी आ गई तो घर से बाहर निकाल दिया, वाह बहुत अच्छी बात है, आज की डेट की सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। आप तीनों अपने मम्मी बोलूँगा कि मेरे मम्मी डैडी एकदम डिफरेंट फील्ड से हैं, उनको फिल्म मेकिंग के बारे में जीरो भी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक वाकया है, जब मैंने अपने फादर से बोला कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मैंने बोला मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, वो बोले वो तो ठीक है पर काम क्या करना चाहते हो, यानी वो जानते कि फिल्म मेकिंग कोई काम ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट किया, वो मुझे समझे। तो इससे ज़्यादा और क्या बॉन्डिंग हो सकती है, मगर आप बच्चे के लिए उतना तक जाते, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि कल अगर ज़िंदगी में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे भी उनका सपोर्ट देना चाहिए, ना कि अपनी कम्फर्ट लेवल के लिए उनको बाहर घर से बाहर निकालना चाहिए ये बोल के कि मैं महीने का खर्चा भेजूँगा। तो यही हम सोसाइटी को भी यही मैसेज देना चाहिए, हम देते भी हैं दे भी रहे हैं इसी फिल्म के माध्यम से, कि आप भी इस बात को कभी सीरियस मूड पे सोचो, क्योंकि प्रॉब्लम होती कहाँ है कि हम सोचते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कहीं कोई कंप्लेन है नहीं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे मम्मी डैडी होते हैं, अगर हम उनके साथ कितना भी गंदा व्यवहार करेंगे वो किसी को बोलते नहीं तो बात बाहर निकलती नहीं, लेकिन बीमारी अंदर से बढ़ती जा रही। तो हमारी फिल्म बनाने का यही मकसद है कि ये जो पूरी बात है पूरा मैसेज हम कन्वे करें ऑडियंस को, यही कि वो अपनी मम्मी डैडी को उसी तरह पालें जिस तरह से बचपन में उनके मम्मी डैडी को उनको पाला था। जी भैया, इस फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो एज ए युवा आप क्या सोचते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश में उनकी ये सोच सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं नॉर्थ साइड से हूँ, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में तो ये चीज़ें बहुत ही देखी जाती हैं कि उनके बेटे नशों में पड़ जाते हैं, माँ बाप को आश्रम में छोड़ देते हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्या आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, माँ उनकी बेचारी यहाँ पर पड़ी है, दो दो महीने बाद फ़ोन करते हैं, कुछ मालूम ही नहीं है कि घर का क्या हाल हो रहा है, उनके फादर नशे में डूबे पड़े हैं, माँ घर में बेचारी बैठी है क्या करे। मतलब कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आप एक यूनिटी बनाए,
ये जो फालतू के जो लोग काम करते हैं नशों में, सबसे पहले तो नशों में ही पड़े हैं, नशों में पढ़कर उसके बाद अपनी लाइफ ख़राब कर लेना, फिर उसके अपनी फैमिली को ख़राब कर लेना, फिर माँ बाप को घर से निकाल देना, फिर शादी हो जाती है, जब बीवी घर में आती है फिर तो वैसे ही घर में झगड़े चलते हैं, फिर माँ बाप अलग हो जाते हैं। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि बेटों को अपने माँ बाप की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए, ताकि एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, जो उन्होंने हमें दी थी, हमें भी वही देनी चाहिए। कि कोई एक घर में चीज़ आ जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ को अलग कर दो। और अभी आज बहुत सारी बातें मीडिया में आ चुकी है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो एज अ एक्टर आप किस तरह से कंफर्टेबल रहते हैं ऑन सेट, और किस तरह का माहौल रहता है, अगर आप दोनों ऐसी कोई बात है जो आप अगर शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? देखिए, प्यार इश्क मोहब्बत तो चलते ही रहता है, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है कोई रीज़न से होगा, और आज भी हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम बैक टू बैक हम तीसरी मूवी कर रहे हैं साथ में, और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लोगों ने बारी इसका हल्ला बना दिया कि ये एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, जो भी है यार वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और आज हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा इसके बारे में। एक अभी ये बहुत दुविधा में फंस चुकी हूँ, बिकॉज़ ये जैसा सवाल है मेरे लिए, मेरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक रिलेशनशिप तो देखिए लाइफ में लोग आते हैं और चले जाते हैं, और उसके वजह से आपका काम सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम आप सिर्फ दो लोग नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो रिलेशनशिप जो हम लोगों का जो भी था, और अभी ब्रेकअप है, बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा दोस्त मेरा कोई और इस इंडस्ट्री में, मैं किसी को जानती हूँ जो बॉन्डिंग मयूर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग है। कितनी चड़ी वड़ी वाली बॉन्डिंग है, बट वो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाली बॉन्डिंग नहीं चली, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ जो रिलेशन में एक कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं सर, एक जो बॉन्डिंग जो हाँ वो चीज़ें नहीं थी, कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी। तो एक पहली बात तो वो भी बहुत ही समझदार है, और मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी समझदार हूँ इस चीज़ को लेके, तो हमें लगा क्यों नहीं हम दोस्त बन के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और इनफैक्ट लोग भी हमें बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो लगता ही नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले से बोलते थे, बट वो है ही नहीं चीज़ें, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और काम तो देखिए, अभी सपोज करो कि डायरेक्टर को मयूर अच्छा लगा है, तो अब मैं इनको ये नहीं बोल सकती कि प्लीज़ आप उसको रिप्लेस करो फिर मैं आपके साथ काम करूँगी, इसी प्रोफेशन हाँ, तो ये तो काम करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ठीक है, वो पर्सनल चीज़ें अलग हैं और प्रोफेशनल चीज़ें अलग हैं, दुनिया के थॉट्स को आप, बट वी आर अ गुड फ्रेंड, राइट, हम फ्रेंड्स हैं और अच्छे दोस्त हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। या बोलिए, हमारे डायरेक्टर सर बोलेंगे। बिफोर साइनिंग मुझे भी ये बात आई थी कि मेरे तक बात पहुंची थी कि एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेट पे कैसे कम्फर्ट लेवल आएगा, आप कैसे मैनेज कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये डर, एक जो आप प्रोफेशनली देखते हैं फिल्म फ्रेटर्निटी की बातें होती है, कहीं कहीं डर था दिमाग में, लेकिन एक बार काम करने के बाद मैं आपको आज 100% आश्वासन देता हूँ कि मुझे लगता है कि उस कंफर्ट लेवल से भी ज़्यादा आज मुझे, क्योंकि उन्होंने कभी मिक्स नहीं किया प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल, दे आर वेरी प्रोफेशनल, और मुझे 100% उन्होंने वो चीज़ दी जो मुझे चाहिए था। तो इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा इन दोनों के लिए कि उन्होंने मुझे कभी उस चीज़ की वो प्रॉब्लम आने नहीं दी कि हमारे बीच में क्या है पर्सनल। देखो, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, बट सेट पे ऑन कैमरा के सामने कभी मुझे वो जाहिर नहीं होने दिया, तो वो मैं उनके एपिसोड जी। फिर मैं जाते जाते, आप दोनों के साथ और फिल्म करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। जी, जो मैं करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी ऑन फ्लोर है, वो है एक हॉन्टेड इविल डेड, जिसके प्रोड्यूसर है मिस्टर गलानी है, वो हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आएंगी, और ये कर रहे जिंदगी तुमसे। और तीसरी फिल्म जो मैं कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, वो रॉ के ऊपर है, सीक्रेट एजेंट के ऊपर, जिसमें हम डेडिकेशन दिखा रहे हैं उन रॉ एजेंट्स की, जो अभी भी हमारी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं इंट्रोगेशन खाते होंगे, कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं मर रहे होंगे, किसी जेल में पड़े होंगे, लेकिन हम उनको याद तक नहीं करते। याद तक तो छोड़ो, हमें उनका नाम तक नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता होगा कि रशिया में हमारे कितने रॉ के एजेंट होंगे जो हमारी कंट्री के लड़ रहे हैं। आपको ये नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में कितने अभी इंट्रोगेशन खाते होंगे हमारी कंट्री के लिए। तो उन लोगों को डेडिकेशन के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, जिसका अभी हमने टाइटल रखा है पैशन गर्ल, जो एक लड़की जो प्ले कर रही है रॉ, पैशन गर्ल जो होती है, इसका को
कोड नेम होता है जो पूरा कंट्री के लिए जान देती है सब कुछ देती है। और उसको एक लास्ट डायलॉग, जब ये मर जाती है अपनी कंट्री के लिए जान देती है, तो एक डायलॉग बोलती है, उसका वॉइस ओवर आता है लास्ट में कि जिस्म, वो बोलती है, मैं भूल रहा हूँ अभी डायलॉग है, कब्र दे देना या शमशान दे देना, मेरी वफादारी का मुझे इनाम दे देना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी वतन, बस तुम मुझे मेरी पहचान दे देना। क्या बात है। तो ये उन रॉ एजेंट्स की तरफ ये है कि जो मर जाते बिना किसी पहचान के, मतलब आप रॉ एजेंट बन गए, आपने कंट्री के लिए जान दी, परिवार छोड़ा, सब कुछ, अब मर गए और बेनाम मर गए, यानी किसी ने नाम तक लेने वाला नहीं। और यहाँ एक नेता हमारा मर जाता है और उसका स्टैचू बन जाता है, उसकी किताबें लिखी जाती है, तो कंट्री को ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जान दी, कम से कम नाम तो लेने वाला कोई हो, भले पैसे मत दो, नाम तो लेने वाला हो। उस अकॉर्डिंग बन रही हमारी पैशन गर्ल जो कमिंग ये कर रही लीड, और यही दोनों हमारे, तो जिसकी हम शूटिंग आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंग है जी, और बहुत जल्दी वो फ्लोर पर आएंगी। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।